आपकी फिल्म कलयुग के राम की स्क्रीनिंग की गई है, बहुत लोग शामिल हुए हैं। सबसे पहले आपने भी फिल्म देखी, आपको कैसा लगा? मुझे तो क्या बोलूं, मेरी फिल्म है तो मुझे अच्छी ही लगेगी, लेकिन इसलिए मैं आज प्रीव्यू रखी हूँ जन्मदिन के दिन की। और जो भी लोग मेरे आए हैं और जो भी मेरे गेस्ट हैं वो एक तरह से कला के जगह के दिग्गज लोग हैं, तो वो मुझे बताएं कि मैंने कैसा काम किया है और कैसी एक्टिंग करी है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग था एक हीरोइन के लिए। बिकॉज की जो हीरोइन होती है वो हमेशा ग्लैमर दिखना चाहती है, खूबसूरत दिखना चाहती है, और इसमें बिल्कुल ही जिस तरह से मुझे डायरेक्टर ने बोल दिया था, तो एक चूँकि थिएटर से थी तो मैंने चैलेंज लिया कि नहीं, मैं जैसी भी दिखूँ ये रोल मैं करना चाहूँगी, क्योंकि बिहार की स्टोरी है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो जो फीलिंग थी, जो इमोशन था, मैंने कोशिश करी है कि मैं यहाँ पर, अब दर्शक बताएंगे। दीपिका मैम, आपने फिल्म देखी, आपका क्या रिएक्शन है? मैं फिल्म देख रही हूँ जी, तो कंप्लीट नहीं हुई है, इंटरवल हुआ है, पर ये स्टोरी बहुत हटके मुझे लगी। एंड जहाँ तक मैंने हीरो हीरोइन ड्यूपी डायरेक्शन म्यूजिक जो जो मैंने देखा अब तक, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हटके है। दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल फिल्म, बट ये एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टचिंग सब्जेक्ट। एक इमोशनल बॉन्डिंग है इस फिल्म में कि एक गरीब आदमी कैसे अपने परिवार को खुश रख रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल परफॉर्म फ्रॉम एवरी एंगल। अब मुझे यही है, जब इंटरवल हुआ मैंने कहा ये ट्विस्ट क्या है, तो उन्होंने कहा आगे जाके आपको पता चलेगा, आप देखिए। सो इट होल्ड्स यू, आई थिंक फॉर अ फिल्म टू होल्ड, यही बहुत उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की निशानी होती है। सो इट्स अ लवली फिल्म एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन कम्प्लीटिंग टू वॉच इट। असल में बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है जो आपने निभाया है, हम जैसे देख रहे थे, कैसे कैसे हुआ ये सब, कैसे आप तक फिल्म पहुंची और ये जो रोल आपको मिला था, तो कैसे क्या मन में ख्याल है? देखिए ये रोल के पीछे सुजीत जी की भैया की जो कहानी है, इन्होंने एक बार मुझे सुनाया कि ऐसा सा कॉन्सेप्ट है, तुम करोगे क्या? मुझे ये सुन के इस बात का आश्चर्य हुआ कि भैया का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ये मुझे सुना रहे हैं। हालांकि चैलेंजिंग तो चल रहा है, रिक्शे वाले जो माहौल है, इस परिवेश को हमने बहुत करीब से नहीं देख पाते, लेकिन हमारे शहर में जो है गांव में हैं लोग इसे चलाते हैं, उनके बीच में जाके देखा मैंने चीज़ को, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसको कर सकता, बहुत मेहनत कर सकता। बाद में देख लिया पास नया पूरा भैया, आप जो कहानी सुनाए थे उसके मैं काम करना चाहूँगा, सब कुछ बड़ा अच्छा कर सकता, और फिर उसको मैंने शुरुआत की, और इसमें इनका बहुत सहयोग रहा है, राजीव भैया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसे चला गया तो चैलेंज उठा, लेकिन कैसा काम हुआ है, कैसा हुआ है, तो सब सीनियर लोग हमारे आए हैं, आपको देख के बताएंगे कैसा लग रहा है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, बट एक ही लाइन बोलूँगा, मैंने कोशिश की कुछ अच्छा करूँ, देखता हूँ उसमें कहाँ तक मैं क्या पहुँच पाया हूँ, ज़्यादा बोलना मुझे आता है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। चंदन भाई, कितना दिन में रिक्शा चलाना सीखे हैं? सही सही दम दिल पे हाथ रख के बताइएगा। दूध में दम सीख गए थे। और मैम के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत सीनियर फैमिली के साथ, हम लोगों के जितने भी लोग थे फैमिली से, मेरे से जितने भी लोग थे यूनिट में, कलयुग के राम सब लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं, इन लोगों का अनुभव का फायदा मुझे बहुत मिला है, तुमको भी मिला है। कितनी डांट पड़ी है सेट पे? सुधीर सर तो छोड़ते ही नहीं थे, उसके लिए भी डांट खाता था, और नहीं कहीं तरह की डांट का फायदा आज सराहना जा रहा है, अच्छा लग रहा है। रोते रहते थे सेट के पीछे आके, अरे श्याम जी ने आज तो बहुत ज्यादा बोल दी, इतना नहीं बोलना चाहिए डायरेक्टर को, मूड ऑफ हो गया, ये हो गया, अब समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं। दीपिका मैम, श्यामली जी भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में साक्षात देवी के रूप में जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं क्या कहूँगी, आपके सामने दो देवियाँ बैठी हैं, आप बताइए। ये है मुल्लू जी भी हैं हमारे, बहुत अच्छे एक्टर, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी
फिल्में करी है और इन्होंने भी सहयोग दिया, पटना से आकर के इन्होंने शूट किया था और उनको भी आप पूछ सकते हैं कैसा लगा पहली बार वो रिक्शा वाला बने हैं। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बनी है और सुजीत जी कमाल के हैं, इमोशनल बहुत अच्छा पकड़ते हैं। ये बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर इमोशन पकड़ रहे हैं और हम लोग तो कुछ पुतलियाँ होते हैं जो होता है कैरेक्टर परफॉर्म करते रहते हैं। थैंक यू सुजीत जी का और राजीव जी का और शामली जी का और पूरी टीम का, चंदन का कमाल, थैंक यू। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बीच में, एक वाक्य ये था कि भैया के सेट पे आने से दो दिन पहले मुझे इन्होंने बताया कि पंचायत दिखले बढ़ा हुआ है, यहाँ भैया दिखले दिखा अब जो माधव वाला जो कैरेक्टर है जिनका बकरी खुद जा रहा है भैया तो कहना भाई थिएटर के एक्टर है खड़े खड़े खा जाइए तो ध्यान रखिए बड़ा सीन पर एकदम दिन असेट कर रहा है बड़ा हेड एक रहेगा बहुत बड़का, लेकिन भैया बाद में कहते कि ना तो ठीक कर देता बड़ा कि ना चलो कुछ तो ठीक कही लेता नहीं भैया तारीफ कर। ये वाली जो बात है ना ये अक्सर पता नहीं बहुत लोग उसे सुने थिएटर में भी सुनते थे कि एक्टर खा जाना, एक्टर अपने कैरेक्टर में होता है वो खाता नहीं उसे एनहांस होता है, अच्छा परफॉर्म होता है तो और एनहांस होता है। श्यामली जी बर्थडे में सबसे पहले विश किसका है आपके पास? सबसे पहले तो जो स्पेशल है लाइफ में उन्हीं का आएगा, हस्बैंड का वो तो पास में रहते हैं। हाँ वो हर वक्त सबसे पहले शॉर्ट चंदन सब लोग का आता है। सबसे पहला मैसेज किसका आया था? मेरे एक है भोजपुरिया भाई, उन्होंने 12:05 पाँच मिनट पहले ही उन्होंने मैसेज और वीडियो सब एडवांस में और वो इसलिए भेज दिए कि मैं फर्स्ट ही रहना चाहता हूँ, मुझे सेकंड नंबर बनाइएगा। क्या क्या गिफ्ट मिला है, कुछ खास गिफ्ट मिला बर्थडे पे? तो बहुत अच्छा दिया है, पहले तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है, थैंक्स देसी टोटल सो की उन्होंने आज ही प्रीव्यू रख दिया मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा बर्थडे तो बनता ही है, या तो आउटडोर जाती या तो रेस्टोरेंट में जाती या तो पब में जाती और कहीं कहाँ जाती, लेकिन इस तरह का एक कलाकार होने के नाते मैं चाहूँगी मेरा हर बर्थडे इसी तरह से मने, मैं फिल्में साइन करूँ, मैं फिल्म रिव्यू देखूँ, मैं फिल्म देखूँ थिएटर के अंदर खुद की, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो सर फिल्म देखिए आपने क्या कहना चाहेंगे? किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, समोसे में दिमाग में कहानी नाच रही है और बहुत बढ़िया है, वेरी वेल रिटन परफॉर्मेंस, इतना अच्छा किया किरण जी, दोनों किरण बहुत बढ़िया है भाई और फिल्म भी उम्मीद थी किरण बहुत सुंदर सहज, मतलब करने की कोशिश देखी जा रही है हो रहा है और आप घुसते हैं थिएटर में एज एन एक्टर और आप ऑडियंस बन के बाहर आते हैं क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आप किसी फील्ड से, आप कहानी में खो जाते हैं। ये देखो सी आई गॉट टू सी, थैंक यू सर, थैंक यू। कट करके फिर ले लेना। सबसे पहले तो आज हमारे श्यामली जी का जन्मदिन है, उनको बहुत सारी बधाई जन्मदिन की, ईश्वर करें वो हमारी इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट आर्टिस्ट बने ऑलरेडी हैं लेकिन और ऊंचाई जो उनको ईश्वर प्रदान करे। और दूसरी बात फिल्म जो मैं देख रहा था मतलब कमाल, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, डायरेक्टर ने इतना अच्छा काम किया है, दोनों एक्टरों ने, चंदन को तो मैं शुरू से जानता हूँ, श्यामली जी को जानता हूँ शुरू से, ये दोनों, चंदन इतना शर्मीला रहा है शुरू से, मतलब मैं जब ऑफिस में आता था तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और मुझे बहुत प्राउड हुआ तुम देखें श्यामली जी आपने वाकई मतलब जो एक नहीं होता एक इच्छा उसकी रहे और कुछ कहना चाह रही हो, वो जो फील को आपने दिया है साड़ी वाला टेस्ट खतरनाक है, आप लोग फिल्म देखेगा तो आपको लगेगा कि वाकई मतलब हमारी भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, स्क्रिप्ट सॉन्ग्स अंधे के बाद भी उन्होंने जो काम किया है कर रही हूँ तो मैंने दोबारा और मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी फिल्म देखूँ और बहुत पूरा टाइम आज फिल्म के साथ जीना चाहता हूँ। तो आज ये उम्मीद करें कि श्यामली जी को राजकुमार की तरफ से कोई खास बर्थडे गिफ्ट मिलेगा? हाँ मैंने अभी चार दिन पहले ही इसको मिला था, चार दिन पहले और ये बहुत अच्छी बहुत उमदा कलाकार है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि ऐसी ऐसी एक्ट्रेस जो मतलब जहाँ मेकअप नहीं कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, देखिए आज इतनी बड़ी एक्टर हमारे बगल में बैठी है पूरा हिंदुस्तान उनको और वो आप खुद जो आपने भी कहा थोड़ी देर पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लोगों ने सही में जिस तरह का डिसीजन को रखा है मुझे लगता है कि आप ऐसे अदाकारा अगर इतना तारीफ की है तो बहुत जरूरी। थैंक यू सर।